मटर की इडली। तो चलिए पूरी देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल इडली, या इसे वेजिटेबल इडली भी बोल सकते हैं, नाश्ता भी बोल सकते हैं। ये देखिए, हमने चावल भिगो के रख दिया था, ये 2 से 3 घंटा हो गया है गुनगुने पानी में, इसको भिगो के रखा था। और ये हमारी दाल चने की, इसको भी हमने भिगो के रखा था, बराबर बराबर क्वांटिटी में है। तो चलिए इसको हम ड्रेन करते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें अपने डालेंगे दाल, सारी डालेंगे चावल। गाइस ये छोटे वाले चावल हैं बिल्कुल, जो इडली के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नॉर्मल भी चावल आप इसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास थे तो हमने वो डाल लिए। देख सकते हैं गाइस, अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे उसको। गाइस ग्राइंड करने के लिए हम अपनी छाछ ले लेंगे, या जिसको बोलते नहीं है फिटा हुआ दही, उसको लेंगे और इसी से ग्राइंड करेंगे। तो हमने 2 कप करीब दही लिया है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो इसको हम पीस लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, जिस हिसाब से हमने दही डाला था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको अलग बर्तन में निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए फ्लोइंग मोड में। तो चलिए अब देख लेते हैं गाइस, हमने लिया हुआ है मटर, तो ये बना रहे हैं मटर की रेसिपी। तो मटर इसमें डाल के हम दरदरा पीस लेंगे, इसमें ही कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसमें ही हम बंधु गोभी के 2 फूल ऐड करेंगे। इसको हमें कोर्सली पीसना है, यानी दरदरा पीसना है, क्योंकि बच्चे है ना सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हमने बोला वेजिटेबल इडली। ये देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी यानी कैबेज, इसको भी हम इसमें डाल देंगे ऐसे कट करके, ताकि ये पिस जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस, ग्राइंड हो चुका है। तो इस पेस्ट को भी हम गाइस इसी में ऐड करेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए, तभी तो कह रहे हैं ये बहुत हेल्दी होगा, टेस्टी होगा। आपस में एकदम मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, अब ये हमने लिए है कद्दूकस करी हुई गाजर 1/2 बाउल, ये भी इसमें ऐड करेंगे। हरी धनिया ये भी ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप किया हुआ, ये भी ऐड करेंगे। जो चीजें आपको, अगर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसको, जो चीजें नहीं पीस के डालने का मन हो वो नहीं भी डाल सकते हैं, जो चीज कद्दूकस करके डालने को हो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फ्लेवरफुल मसाले, थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हम मिर्च डालेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब कुछ नहीं करेंगे, इनको सबको आपस में मिक्स करेंगे। अभी इसमें नमक नहीं ऐड किया है, मिक्स करने के बाद में हम नमक ऐड करेंगे। गाइस ये नाश्ता बहुत ज्यादा एकदम टेस्टी बनेगा, और इसको आप फ्राई कर भी खा सकते हैं, और इसको आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हो गया है टेस्ट, ये देखिए। तो चलिए हम अभी इसमें नमक ऐड करते हैं, स्वाद के अनुसार नमक मिक्स करेंगे। गाइस आप अपने हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कुछ थिक है, थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा सा पानी, वही धनिया वाली कटोरी में हमने कर लिया था इसलिए वो लग रहा होगा आपको। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस, इस तरह की हमने ले ली है कटोरियां, अब इसमें हम लगाएंगे ऑयल। ये देख सकते हैं इसमें ग्रीस कर लिया है। तो अब चलिए, अब इसमें मिलाते हैं हम कुछ स्पेशल सा, ये देख सकते हैं गाइस, अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सोडा। देखिए आपके पास सोडा ना हो, इनो सोडा ना हो, मतलब सोडा ना हो तो आप इनो मिला सकते हैं, ये हमने बेकिंग सोडा मिलाया है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए कितना फ्लफी और हल्का हो गया है हमारा स्मूथ बैटर। तो अब इनको हम क्या करेंगे, अब इसको हमें छोड़ना नहीं है, अब इसको कटोरियों में हमें फिल कर देना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये बिल्कुल हल्का बैटर हो गया है। तो इस तरह की कटोरियां आप ले लें ऑयल लगाकर, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो, और इसमें ऐसे करके हम बैटर
भर देंगे। ये देखिए आधा आधा भरेंगे, ज्यादा नहीं भरेंगे, जिससे कि फूल कर भी आएंगी ना ऊपर, इस वजह से फूल हो चुका है। रिवाइज टैप कर देंगे जिससे कि एक सार हो जाए, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब चलिए इनको बेक करते हैं, हमारा तैयार है। तो चलिए देखिए गाइस हो गया है। शुरू में आप 2 मिनट इसको फुल फ्लेम पर कर दें जिससे कि अच्छे से फिर से एयर बन जाए इसके अंदर, फिर आप इसको धीमा कर दें लो टू मीडियम, करीब 20 मिनट तक इसको पकने देना है। ये देखिए गाइस अगर उस तरह से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से कढ़ाई में पानी चढ़ाइए, इस तरह से एक जाली रखिए और जाली के ऊपर हम अपनी ये कटोरियां सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको भी कवर कर देंगे। ये देखिए इस ये है, इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ये ढक जाएगा और इस तरह से भी कुक हो जाएगा। तो देखिएगा 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिएगा इसको ओपन करके देखेंगे हम हटाते हुए कि कैसा हुआ है। तो इसमें नाइफ एक लगाएंगे तो इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा पकाया नहीं। अभी गाइस थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि इसमें स्टीम बाहर निकल रही थी, और जो दूसरा वाला है वो पक चुका है तो उसको हमने फ्लेम बंद कर दिया। इसको हम इस पर ढक देंगे जिससे कि स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले, ठीक है। और गाइस ये देखिए दूसरा वाला है वो बिल्कुल पक चुका है, अंदर चाकू कर रहे हैं तो उसमें निकल नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं गाइस जो हमने पहले बनाई थी ये पक चुके हैं हमारे अच्छे से। देखिए साइड भी इन्होंने छोड़ दिया है, तो इनको ठंडा होने के लिए अलग निकाल के रख लेते हैं। और ये बहुत अच्छे से फूली भी हैं, तो देखिए। और अभी ये वाली जो पक रही हैं ये अभी पकना बाकी है, तो ये बन रही हैं अच्छे से। ये देखिए गाइस ये भी हमारे बन चुके हैं क्योंकि इनका कलर बता रहा है, कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये भी बन चुके हैं, तो फ्लेम हम बंद करेंगे। अब इनको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ढक करके, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया हो तो वो कुक हो जाएगा। 10 मिनट बाद मिलते हैं आके। ये देख सकते हैं गाइस हमारी जो पहले की कुक हुई थी उन्होंने अपना साइड छोड़ दिया, ये देख सकते हैं। तो इनको हम धीरे धीरे करके छुड़वा लेंगे और फिर सर्व करेंगे। ये देखिए गाइस वैसे तो इन्होंने अपनी साइड छोड़ दिया बट फिर भी ऐसे कर देंगे हल्का हल्का सा, फिर थोड़ा जल्दी छुप जाएगा, ये देख सकते हैं। और अब इसको हम प्लेट पर रखेंगे। ये देखिए प्लेट पर रखने के बाद तुरंत छुटकी आ गया, ये देख सकते हैं गाइस। और शायद आई थिंक हम ऐसे करके छुड़वाएंगे तभी छूट जाएगा आराम से। ये देखिए हमको साइड भी नहीं छुड़ानी पड़ी, तो ये हमारी इडली बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी यम्मी इडली बनी हुई है। तो गाइस अभी वो और निकल आएंगी, दिखाते हैं आपको, इसी तरह से सारी निकाल लेंगे फिर मिलेंगे आपको। ये देखिए गाइस हमारी इडली बनकर रेडी है, और गाइस मटर की इडली है ये, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। जो बच्चे दाल है सब्जियां है नहीं खाते, उसमें सब चीजों का न्यूट्रिशन है। आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, जो कि जिसमें हमने इडली फ्राई करना बताया है, ठीक है, उस तरह से भी खा सकते हैं आप। तो आज हमने ये मेयोनीज रखी हुई है, ठीक है, तो इस मेयोनीज के साथ तो आप खाइए प्लीज। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।